रोटी तो खिला ले, खाते भी। गाइस ये देखो, उस टाइम मम्मी ये थी और ये थे, दिखाई दे रहा है। मम्मा ये कहाँ से लाए हम? नहीं बना, ऐसी बातें नहीं बताते दोनों। नहीं बताते क्या? हाँ तो अब मैं देवांशी को लेकर जाऊंगी, स्कूटी दिलवाने के लिए, पड़ी रहे तो घर पे, शादी में भी इसी को लेकर जाऊंगी तुझे। तो मैं वहाँ पे जाऊंगी रिया के साथ। कुछ ना खाइए तीखा। नहीं खाऊंगी, चिंता ना करो, मैं खाऊंगी आज ज्यादा दिन। तो मम्मी खाना खा रही है। सब्जी कैसी है माते? मैंने बनाई है। आप सब कैसे हो? गुड आफ्टरनून होनी बोलनी चाहिए वैसे मुझे भी, क्योंकि 12 बजे से ऊपर हो चुका है, तो गुड आफ्टरनून हो चुकी है। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सब कैसे हो? होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइज इतना मम्मी के वेट करने के बाद मम्मी अब घर पे आई है नेक्स्ट व्लॉग में। तो मम्मी खाना खा रही है। सब्जी कैसी है माते? मैंने बनाई है। है नी? हाँ किसने बनाई है? सही में, और बिना मिर्च की आपके लिए स्पेशल। ये सब्जी मैंने बनाई है, रोटी मामी जी ने, और चाय भी मैंने मड़ाई दे दिया मैंने तो थोड़ी सी। खानी आपको चिकनाई? मरना है, खा के मरूंगी। अरे ना लव लव करो, फोन कर, नाटक की दोबारा शुरुआत कराऊंगी काम की। ठीक है मैं नाटक बनाऊंगा अब। क्या तो क्या सिलाई वाला नहीं करो, मतलब आप सूटो वाला? सूटो वाला भी करा, सारे काम करोगे। वाह ऑलराउंडर। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं शॉप के लिए निकल रही हूँ, और मैम साहब ऊपर है जो कि है मेरी भाभी, वो नहा नहीं रही है देख लो। वो कल से आज मैं इसे कहूँ नारे नाले करूँगा, हमारे घर जाकर नहाऊंगी तो वो नहाएगी, जब उसको छोड़ के आना पड़ेगा। भाई मेरा सुनील भाई है ना, वो बाहर गया कहीं शादी में, तो उसके आने के बाद ये जाएगी उधर ही नहाएगी ना। कहती ना मैं कपड़े नहीं लेके आ रही मेरे, मैं तो ओढ़े नहाऊंगी। तेरी शिकायत कर दी है ना है। सो आज तेरी शक्ल और दिखा दी एक बार। अभी हम लोग जा रहे हैं शॉप पे, बस अभी घर से निकल के आए हैं। मुझे जाना है वहाँ पे किसी के फंक्शन में, मम्मी के कार्ड आए हुए हैं, तो मैं वहाँ पे जाऊंगी रिया के साथ। कुछ ना खाइए तीखा। नहीं खाऊंगी, चिंता ना करो, मैं खाऊंगी आपसे ज्यादा दिन। टेंशन है नहीं। टेंशन तो खाने का दिखेगा, टेंशन ना क्यों हो जाएगी। हाँ ठीक है। मैं आई थी रिया के घर पे, सोच रही थी कि इसे स्कूटी दिलवाने के लिए लेके जाऊंगी, बट ये कुछ ज्यादा ही पढ़ाकू बन रही है। सिर्फ मैं आई हूँ इसीलिए, वैसे ही नहीं पढ़ती है, बिल्कुल नहीं पढ़ती है, रहने दे तू। तो इसलिए मैं देवांश, हाँ जब पता चलेगा कितनी पढ़ती है। हाँ तो अब मैं देवांशी को लेकर जाऊंगी स्कूटी दिलवाने के लिए, पढ़ी रहे तो घर पे, शादी में भी इसी को लेकर जाऊंगी, तुझे नहीं लेके जाऊंगी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। थैंक यू। चल ये मुझे पता है क्या कह रही है, कि तेरी बेस्ट फ्रेंड देवांशी है मैं, क्योंकि मैं जब भी आती इसको ले जाती हूँ, ये बेचारी पड़ी रह जाती है। कोई नहीं मैं भी देख ही रही हूँ। तो गाइस ये देखो मुझे। तो गाइस इसी के साथ तनु को जगह मिल चुकी है जहाँ पर ये स्कूटी धुलवाए, तो अब बस हो चुका है। हम तीन तीन एक ही स्कूटी पे आ रखे थे। क्या नाम है तुम्हारा? भूपेंद्र जोगी। दुनिया में कहाँ कहाँ घूमे हो? बहुत जगह घूमे। नाम बताओ। तो बातें छोड़ते हैं और काम की बात पे आते हैं। फोन को बंद कर दे। तो गाइस बज चुके हैं रात के कितने, टाइम बताइए मिठू। मुझे भी नहीं पता, देखना नहीं आता तुझे टाइम? 2:00 रात को मिठू। अरे आप ही क्यों बेइज्जती करवा रहे हो, तेरे को टाइम देखना नहीं आता? तो गाइस टाइम हो चुका है 8:51 और ये कह रही है 2:00 हैं। कमाल देखो ना आपकी बेटी का, 2:00 रात के, 9:00 वाले हैं। बहन तो तेरी है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को टाइम देखना आता है। नहीं ये बुआ की लाडली है मेरी, क्या बुआ की है ये? बहन तो है फिर भी। बहन तो है बट लाडली तो ज्यादा बुआ बुआ हो रहते ना इसके, तो चुगलियां करते है बुआ के आगे। क्या इनकी यहाँ पे मोई मोई चली हुई है और रोटियां ठंडी हो रही है दोनों बहनों को। तो गाइस आप सबको ये लगता होगा कि मेरे पास है ना कोट ही नहीं है, क्योंकि मैं जब भी ब्लॉग लेती हूँ ना मैं इसी कोट में होती हूँ, और कोइंसिडेंटली भी कभी मिला था और मैंने आज फिर पहन दिया।
मम्मी जो शॉप पे लेके आती है ना मुझे वही पहनना पड़ता है। मैं क्या करूँ घर तो मैं जा नहीं सकती, मम्मी भेजने से नहीं मुझे घर तो इसलिए मुझे मजबूरन यही पहनना पड़ता है। हाँ जी शादी में आने वाली है बता रहे हैं लोग, आ जाएगी क्या जाएगा हमारा। आंटी जी आज सुबह सुबह आंटी जी गए कह रहे तूने फालतू में ही है ना मेरे को वो पहना दिया, मेरे को तो ठंड लगी नहीं रही थी। मिट्टू ने तो कोट पहन लिया फिर भी ठट ठट मुंह देखो कैसे छुपा रहे हो। वही तो हमारे यहाँ के सबसे शवान लड़की। तो गाइस ये आपको दिखाई दे रहा है मम्मा ये कहाँ से लाए हम? नहीं बना ये ऐसी बातें नहीं बताते तुम। नहीं बताते क्या? मिठू लाइए मिठू मिठू लाइए गाइस। तो इसमें मैं लस्सी पीऊंगी, लस्सी डाल के मम्मी कह रही है नमक डाल के ले। कहाँ से लेके आती? वहीं से वहीं से, पर आप बताएंगे नहीं कहीं से। लगा रही है कन्नू के भोग उसका पपीते का, और ये देखो मम्मी ने अभी काम स्टार्ट कर दिया, अलमारी तो सेट कर दी और घर की हालत देख सकते हो अब 10 दिन तक ऐसा छोड़ नहीं सकते तो इसलिए। तो गाइस बस एक अलमारी की सफाई कर दी, पूरा रूम की सफाई नहीं की है, देख लो कितना बुरा हाल होया खड़ा है। ये करूंगी कल सफाई, सुबह सुबह आपको दिखाऊंगी। और जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, आज मेरी तारीख थी। आज ना गाइस मेरी तारीख थी, सिर की नस फटने लग रही है, ऐसे ऐसे सबूत ला के रख रखे उसने, सिलाई का सबूत ला के रख दिया, सिलाई कर रही है पैसे कमा रही है, यूट्यूब का चैनल ला के रख दिया या यूट्यूब से पैसा कमान लग रही है, मतलब उसकी हद है कि मैं कुछ कमा के खाऊं या ना खाऊं, ये बताओ आप एक बार जरूर बताना कमेंट में। उसका इतनी चिड़ बैठ रही है कि नू का क्यों कमा के खान लग रही है, उसने क्या जरूरत है खर्चे की, वो क्यों कमा के खा है कि नू बताओ। सिलाई माँ आप ना खर्चा भी नहीं पड़ पाओ, सिलाई में इतना खर्चा हो जाता है, सिलाई में मतलब इतना भी नहीं बचता कि बंदा जोड़ ले, कितना कर लोगे साधन। और शरीर मेरा ऐसा हो रहा है क्या हो गया क्या, 3-4 सूट छील के आती हूँ उसमें, बस इतने छील के आती हूँ। जुम्मा कितना खराब हो रहा है, तारीख पता नहीं कब की नहीं, मैं तो पूछ के नहीं आती सीधे आ गई थी भाई। और उसका मैं फोटो दिखा देती हूँ आपको, इंतजार था ना आपको, दिखाओ दिखाओ मेरे से 15 साल बड़े हैं वे, कितना बड़ा है, मैं कितने साल की होगी इस टाइम में? 2 साल की थी जबकि फोटो आई है, देख ले कितना बड़ा था, दिखा दे फोटो। अब मैं तो देख ही रखा है, तन्नु देखने लग रही है, दिखा दे फट दे इसकी फोटो, दिखा एक बार दिखा दे आगे करके दिखा। तो गाइस ये इंसान है वो जो मेरे से 15 साल बड़ा है, और फिर भी इसने हद पार कर रखी है, हद पार मतलब हर चीज के, स्कूटी ले ही तो वो कढ़वा के पेश कर दी इसने, स्कूटी ले ली। अब यूट्यूब चैनल मेरा नहीं था पहले वाला, यूट्यूब चैनल था मैंने तो मेरा अभी बनाया है कुछ दिनों से, वो पहले ने यूट्यूब चैनल दिखाने लग रहा है कि यह कमाई करे फुल कमाई करे, मतलब पेट ना भरू मैं भूखी मरू तो है वो खुश, बिल्कुल खुश है। अरे भूखा मेरे से मर जाता, मैं मेहनत करके खाती रू, और भी मेहनत करूंगी मैं। मैंने सिलाई का बोल दिया है, जिसने भी सिलाई सीखनी है तो मुझे बता दीजिए कि मैं 2 घंटे का टाइम दूंगी, जिसने भी नाम लिखवाने हैं कमेंट में जरूर अपना नाम लिख देना, भाई दीदी मेरा नाम ये है मेरा भी नाम लिख लो। मैं जब क्लास ज्वाइन करवाऊंगी ना मैं उसी दिन 1 दिन पहले मेरा ब्लॉग है ना आएगा, और आप जरूर देखना, मैं डेली बोलूंगी यही बात है आज का। अरे एक बात और बोल देती प्लीज आप है ना चाहे तो ना देखो काम से ही फोन करो, क्योंकि मेरा इतनी बिजी हूँ मैं फोन सुन सुन के ना पागल हो रही हूँ 2 दिन से बहुत, क्योंकि काम वाले की कम थोड़े ज़्यादा अचान वाले भी बहुत ज़्यादा है मेरे, उनके भी फोन आ रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका इतना प्यार करने के लिए, पर ना सिर्फ सिलाई वाली है ना वही फ़ोन करना जो सिलाई सीखना चाहती है, वही मेरे पास कॉल करना, जिसने भी सीखनी हो 1 दिन पहले बता दूंगी, जिसने भी नाम लिखवाना तो आप नाम लिखवा सकते हो, क्यों भाई तनु। और फोटो मैंने आपको दिखा दी, ये है वो इंसान, और तनु देख लो सारे फोटो खिंडाए बैठे है, ये सी गोडी मौसी है देख लो, जो कि तनु कहाँ जाती है इसमें मैं 1 साल की हूँ, इसमें ये 1 साल की थी लेकिन प्यारी लग रही है। ये देखो उस टाइम पर मम्मी ये थी और ये थे, मेरे से तो बेटा 55-60 साल का हो रहा है भी हो। देखो मेरी बड़ी बुआ, ये मैं कौन बुआ बेटा, जो बुआ नू का देवे तलाक दे हम और शादी करांगे, बुआ थोड़ी ना तेरी है। ये देख लो कितना,
फिर कहते शादी करांगे हम तो तलाक दे, ये बात बोल रहा है, ये बुआ थोड़ी ना है। ने देख लो ना, देखो इतना फर्क आ गया। देखो खुद देख लो गाइस, उस टाइम पे मैं इतनी थी जब ऐसे थे वो, अब तो सोचो आप लोग। पहले देख लो ना भाई ऐसे खिड़ा की रोसा रही। रख दे, तू सुंदर थी, सबसे सुंदर तू ही थी। रख दे डाल ले कबाड़ डाल, तन्नो तेरी तेरी रख, और सारा की फाड़ दे, जो भी दिखन ना ना सारे फाड़ दे, हम किसी को नहीं रखना चाहते, ठीक है? सारी फाड़ फोटो, हमने किसी की जरूरत ही नहीं है, हमारे फोटो में हम होनी चाहिए, मेरी बेटी और मैं। दे मेरी बेटी कितनी सुंदर थी, ये तन्नु की दादी है। फिलहाल तो अभी नहीं रही, फिलहाल नहीं है, करतूती नहीं कही, ये इसका दादा थे, देख लो इतने बूढ़े दादा थे इसके, देख लो 100 साल के थे, 95 साल के थे। जब मैं 6 साल की थी जब एक्सपायर हुए थे दादाजी। 6 साल की थी तो? हाँ, जुलाई में, 26 जुलाई को, और जून में दादी थी, हुई थी अभी 2020 में। नाश का कारण सब कुछ। फाइनली आज मैंने दिखाई दिया। अरे तो जिक्र है मत करना उस इंसान का, दिखाओ 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 दिखाओ, इंसान को मैं दिखाना चाहती हूँ, क्या क्या बखेड़े खड़े करेगा वो पता नहीं अगली तारीख में, बहुत दिमाग खराब करा क्या। तो गाइज आज का ब्लॉग है ना बस इसी के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूले, जब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय। ओए बाय बाय। तो गाइज अगर आपको पूरी फैमिली देखनी है तो भी आप बता देना, के रह गए फैमिली में मैं तू है। अरे वो नहीं पता तो चले सबको, के देखेंगे कौन क्या है किसकी कहाँ, कभी देखे तो कम से कम बुआ पता ना, बुआ या बुआ है के, बुआ ने पता ना के बात बोली थी, मैं इनकी मेरे ले थी बुआ जी ने, तो क्या ही बोल दूं, फिर बोल देंगे तमीज नहीं है, तू ना बोल मैं बोलूंगी ना, मैं इस बुआ ने बड़े वाली बुआ ने ये बात बोली है कि तलाक देख रहे, एक पास हो जाए हमने तो एक पास कर दे, मैंने इतना प्यार किया था इन्होंने तो सही, इतना प्यार करा था तो भी मेरे झटकाने लगे है, मना किसी का भी बुरा नहीं किया, किसी का भी नहीं किया तो भी नहीं, ये बात बोली मेरा इतना दर्द होया था कि आज या इतनी बड़ी बात बोल दी, बोला तलाक देकर एक बात हो जाता है, अपनी बेटी ने भी, अपनी भतीजी ने भी, देखो अब मैं बैठी इधर हूँ, मेरे भतीजा भतीजी मन मेरे फोन पर भी दिख रहा, मेरी इतनी खुशी हो, इतनी खुशी हो, उनका जमाया को नहीं होती, इसका बर्थडे भी आओ, इसका सब कुछ आओ है तो भी इसने कोई याद नहीं करता, जी तो मेरा बहुत जड़ा है, कोई इंसान मिल गया था मैंने आज तो बताया, बोला बना इतना समझाया, इतना समझाया तो भी नहीं समझता वो बंदा, तो दर्द तो सब कही हुआ है भाई जो उसने कर रखा है, और सारी बात तो मैं एक दिन आऊँगा, टाइम आऊँगा जिस दिन तलाक लेऊँगी उस दिन बोलूँगी सारी बातें, तो मैं तो सबकी सबकी बोलूँगी, मैं सबकी पोल पट्टी खोल लूँगी, अभी नहीं बोलूँ मैं, और किसी की नहीं, मेरे इस परिवार की जो मेरा ससुराल है इनकी, और किसी का जिक्र नहीं कर रही मैं, ना मेरी आदत पोल पट्टी खोलने की, बस ये है ठीक है काम चल रहा है, और आप जैसे मेरी इतनी शिक्षा देने लग रही थी, कुछ मत बोलो आपकी मेहनत हमको पता दिखती है, और ये बात दोबारा बोलूंगी, जिसने भी सिलाई सीखनी है तो कमेंट में, जिसने भी नाम लिखवाना है तो लिखवा सकते पहले आप, जब तक लीजिए बाय बाय।